मीरगंज बरेली तहसील और पुलिस प्रशासन ने नाला विवाद सुलझाया। गांव ब्रह्मपुरा के त्राहे पर पीडब्ल्यूडी की जर्जर सड़क मार्ग पर जल भराव से कई गांवों के लोगों के आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस मार्ग पर अक्सर होने वाली दुर्घटनाओं से आम जनमानस को निजात दिलाने के लिए एसडीएम कुमार धर्मेंद्र व तहसीलदार के संयुक्त निर्देश पर शुक्रवार को लेखपाल पुष्पेंद्र कुमार, ज्योति कुमारी एवं कानूनगो जोगेंद्र पाल सिंह और थाना पुलिस प्रशासन से SI विनय कुमार सहित उनकी टीम गांव पहुंची। टीम ने रामपुरा गांव के त्राहे पर गांव लभेड़ा दुर्गा प्रसाद के रकवे के चक्रोड पर पीडब्ल्यूडी के रोड पर रामपुरा चौराहे से सिद्धा नदी तक नाला था। नाला का खुदान JCB से शुरू कराया। गांव रामपुरा के तमाम घरों के पानी निकासी को नाला नहीं था, जिसके कारण पानी पीडब्ल्यूडी की सड़क पर जमा होने से गड्ढे हो गए हैं और हर समय जल भराव से रास्ते से गुजरने वाले राहगीर गड्ढों में गिरकर घायल होते रहते थे। वहीं इसी रोड से होकर कई स्कूलों के बच्चे जाते हैं। इस मामले में ग्राम प्रधान मीरा देवी ने SDM कुमार धर्मेंद्र को प्रार्थना पत्र देकर नाला की समस्या की आवाज़ उठाई थी, जिसे तहसील और पुलिस प्रशासन ने गांव पहुंचकर विवाद को निपटा दिया। इस दौरान ग्राम प्रधान पति दुर्गा प्रसाद, नथुलाल, राम मोहन, ऋषिपाल चौधरी, मेघराज समेत सैकड़ों लोगों का जमावाड़ा लगा रहा। लेखपाल ज्योति कुमारी। अच्छा। मैं इस क्षेत्र की लेखपाल हूँ ज्योति कुमारी। यहाँ पर आज ये लभेड़ा सिमरिया और रामपुरा का जो तिराया है, यहाँ पर पानी की समस्या थी। पानी की समस्या को देखते हुए यहाँ के लभेड़ा के जो प्रधान जी थे या जो व्यक्ति थे वो बनने नहीं दे रहे थे नाला। अच्छा। तो लोगों की समस्या को देखते हुए इसका निस्तारण निकाला हमारे प्रशासनिक अधिकारी SDM साहब जी और तहसीलदार महोदय, उनके आदेश अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर और अपनी प्रशासनिक टीम जो हमारी टीम है राजस्व टीम, हमारे सभी अधिकारी यहाँ पर उच्च अधिकारी मौजूद हैं, उनके मतलब उनके उनके आने पर हम लोगों ने यहाँ पर नाला निकाला, लोगों की जनमानस की समस्या का समाधान किया, जिससे जनमानस लोग बहुत ही खुश हैं। तो ये पानी निकास ना होने से ये सड़क मार्ग पर जल भराव हो जाता था। हाँ, अवरुद्ध हो रहा था। लोगों को रोज की समस्या पैदा हो रही थी। लोग घटनाएं भी हो चुकी हैं, घटनाएं भी हो रही थी। लोग 10-12 लोग थे जिसके हाथ पैर टूट गए थे। अच्छा। तो इन सब समस्या का समाधान आज हो गया। ठीक।